हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में एग्जाम में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। हर्ट्ज ने बस एक ही काम किया था, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, एलसी ऑसिलेशन लैब में करवाई थी पहली बार। एलसी ऑसिलेशन में उसने क्या किया, कैपेसिटर के साथ ये दो स्फीयर बांध लिए बहुत क्लोज, ताकि सारा चार्ज इन मेटालिक स्फीयर पे आ जाए और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, सिग्मा बढ़ जाए। यहाँ पे एल और सी में ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं, एल सी में जब एनर्जी मूव करती है तो ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं, तो यहाँ साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अपना पैदा हो गया और ई एम वेव प्रोपोगेट हो गई और सीधी यानी स्टार्ट हुई। फिर उसने यहाँ डिटेक्टर रख लिया एक मेटल का, मेटल के डिटेक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रॉस किया, यहाँ अपने आप स्पार्क हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पैदा कर दिया, अपने आप कैसे चार्जिंग होगी, ई एम वेव की एनर्जी ने यहाँ चार्जिंग प्रोड्यूस की। ये हर्ट्ज़ ने पहली बार ऐसा किया, उसका ऑपरेटर देखने में ऐसा था, ये कैपेसिटर, ये दो जो स्फीयर्स जहाँ से उसने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया, ये इंडक्टर और ये डिटेक्टर, सीधा ई एम वेव ने यहाँ चार्ज पैदा कर दिया, ये उसने किया। सिलेबस में नहीं है।